हिसार में नकली सिक्के के एक सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे किस किस का हाथ है। क्या नकली नोटों के साथ नकली सिक्कों का कारोबार भी देश में खड़ा हो रहा है? क्या जो 5 रुपए के सिक्के आपके पास हैं वो नकली हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि हिसार पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसके पास से 5-5 रुपए के 2000 नकली सिक्के बरामद हुए हैं। पकड़े गए शख्स का नाम सचिन है जो नकली सिक्कों का सप्लायर है। हमें विशेष व्यक्ति ने सूचना दी थी कि जिंदल चौक के ऊपर कोई सचिन नाम का लड़का है जो नकली सिक्के बेचता है। इस पर हमने रेड डाली तो वो सचिन वहाँ पे नकली सिक्कों से तुम्हें काबू हो गया और इसमें 2000 सिक्के 5-5 रुपए के नकली बरामद हुए। पुलिस के माने तो सचिन पिछले 7-8 महीनों से नकली सिक्के सप्लाई का काम कर रहा था। वो दिल्ली में किसी सोनू नाम के आदमी से सिक्के लाकर हिसार में दुकानदारों को सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस गोरख धंधे में आखिर कौन कौन शामिल हैं। ये पूछताछ के दौरान ये बता रहा है कि मैं दिल्ली से लेकर आता था। सिक्के का भाव वगैरह पता था? रेट का भी कोई खुलासा नहीं हुआ, तफ्तीश जारी है। सचिन इस गोरख धंधे का महज एक मोहरा भर है। सचिन बड़े कमीशन के लालच में इस धंधे को कर रहा था, लेकिन सवाल ये है कि इस गोरख धंधे के तार कहां कहां तक फैले हैं। सवाल ये भी कि इस गोरख धंधे का असली मास्टरमाइंड कौन है और वो कब सलाखों के पीछे होगा। महेंद्र सिंह, जी मीडिया, हिसार।